चिराग खांडू, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बन्नागट्टा रोड से। मैं आपके साथ बच्चों के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों को हम तब बोलते हैं कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है जब भी उनके प्रॉपरली करेक्टेड यूरिन सैंपल के अंदर बैक्टीरियाज का ग्रोथ होता है। यूजुअली जब भी बच्चों के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है तो कुछ सिम्टम्स के साथ में प्रेजेंट करता है। जैसे यदि बच्चा छोटा रहा, लेस देन 3 ईयर एज रहा, तो उनके अंदर यूजुअली बच्चे थोड़ा ज़्यादा फंसी रहता है, फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाते, काफ़ी दफ़ा उनके अंदर फीवर भी आ सकता है और कुछ बार थोड़ा सा वॉमिटिंग, नोजिया भी हो सकता है उनको। यदि बच्चा एडोलेसेंट एज का रहा तो उनके अंदर यूजुअली बच्चे ऐसा कंप्लेन करते हैं कि उनको यूरिन पास करने के टाइम पर थोड़ा बर्निंग सेंसेशन आ रहा है और उनको बार बार यूरिन करने के लिए जा रहा है। पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप के अंदर यदि बच्चे को कभी भी फीवर आता है और अपने पास कुछ दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं है तो यूरिन इन्फेक्शन हमेशा के लिए एक बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल रहता है। पीडियाट्रिक यूरिन इन्फेक्शन एडल्ट यूरिन इन्फेक्शन से काफ़ी डिफरेंट रहता है। एडल्ट यूरिन इन्फेक्शन यूजुअली बार बार नहीं होते और यूजुअली उनके लिए हमको डिटेल्ड इवेल्युएशन करना नहीं पड़ता है। लेकिन पीडियाट्रिक यूरिनरी इन्फेक्शन 10-30% ऑफ टाइम वापस भी हो सकते हैं। यदि बार बार पीडियाट्रिक यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो यूजुअली वो किडनी के अंदर स्कार कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को एज के अंदर और कुछ तकलीफ भी हो सकता है। तो इसके लिए यदि एक बार भी बच्चे को यूरिनरी इन्फेक्शन होता है और यदि वो लेस देन 5 ईयर के अंदर फर्स्ट एपिसोड होता है तो हर बार अपने को किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर का स्कैन करके देखना रहता है कि अंडरलाइंग कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी या कुछ दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ जब भी मेरे पास में बच्चे आते हैं कोई भी यूरिन इन्फेक्शन के साथ में, तो यूजुअली मैं उनको 2 क्वेश्चन मेनली पूछता हूँ। या तो कुछ एनाटोमिकल प्रॉब्लम है और या तो कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम। एनाटोमिकल प्रॉब्लम के लिए हम लोग स्कैन करके देख लेते हैं। काफ़ी बार स्कैन फाइंडिंग्स के अंदर ऐसा आता है कि बच्चे को यूरेटर एक ही जगह पे डुप्लेक्स सिस्टम है, काफ़ी बार उनका जो यूरिनरी फ्लो प्रॉपर होना चाहिए उसके अंदर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इधर यूरेटर लेवल पे, काफ़ी बार यूरेथ्रा लेवल पे, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ब्लैडर से यूरिन बाहर जाने की वजह से वो रिफ्लक्स करके ऊपर आ रहा है। तो ये सब फाइंडिंग्स को अर्लियर आइडेंटिफाई करना, उनको प्रॉपरली एड्रेस करना और काफ़ी बार ज़रूरत पड़े तो बच्चे को प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देना भी बहुत ज़रूरी होता है, सो देट उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन नहीं हो और उनका किडनी का डैमेज बार बार नहीं चलता रहे। यदि बच्चे का एनाटोमिकल इवेल्यूशन पूरा नॉर्मल आता है तो फिर हम लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि कुछ ऐसे बच्चों में बिहेवियरल फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। तो काफ़ी बार एडोलेसेंट एज के अंदर बच्चे को यूजुअली बार बार यूरिन वॉइड करने का आदत नहीं होता है, तो वो लोग यूजुअली यूरिन को रोक के रखते हैं और जो भी ओल्ड यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है वो ईजिली इन्फेक्टेड हो जाता है। और काफ़ी बार लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, इम्प्रॉपर डाइट की वजह से एडोलेसेंट एज ग्रुप में कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी कॉमन होता है, जो भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को चांसेस को बढ़ा देता है। अभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को बार बार होने से रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? यदि यंग एज है, पहला इन्फेक्शन लेस देन 5 ईयर में हुआ है, तो डेफिनेटली स्कैन करके अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या नहीं, और ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करके अपने को अर्लीस्ट ट्रीटमेंट लेना है। टोडलर एज ग्रुप के अंदर भी फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन रहता है, तो उसका भी प्रॉपरली ट्रीटमेंट करके, काफ़ी बार मेडिसिन के साथ, काफ़ी बार डाइट चेंज करके, काफ़ी बार बिहेवियरल इंटरवेंशन से उसको एड्रेस करके कॉन्स्टिपेशन को कम करना है ताकि यूरिन इन्फेक्शन बार बार नहीं हो सके। दूसरा चीज़ ये है कि फीमेल के अंदर अपने को प्रॉपर हाइजेनिक हैबिट्स स्टार्ट से ही एस्टेब्लिश करना है, जैसे बाथरूम जाने के बाद प्रॉपरली क्लीनिंग फ्रंट से बैक की ओर करना, ताकि जो स्टूल्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूरिन साइट को कॉन्टामिनेट करके यूरिन इन्फेक्शन को प्रोपोगेट नहीं कर सके। और एडोलेसेंट एज ग्रुप में स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर इतना अपने को मेक श्योर करना है कि उनका लिक्विड इनटेक काफ़ी अच्छा रहे स्कूल पीरियड के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे यदि बेबीज डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और उस टाइम पे स्कूल टॉयलेट यूज़ करने में भी काफ़ी बच्चों को हेजिटेंसी रहती है, तो डिहाइड्रेशन और यूरिन रिटेंशन की वजह से भी बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो अपने को उसको प्रॉपरली हैबिट डेवलप करना है कि वो प्रॉपरली पब्लिक टॉयलेट और स्कूल टॉयलेट यूज़ करें, गुड अमाउंट ऑफ ओरल लिक्विड्स लें ताकि यूरिन इन्फेक्शन कम हो। यदि ये सब चीज़ों का ध्यान रखें तो डेफिनेटली हम लोग यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस पीडियाट्रिक्स में कम कर सकते हैं।